अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चिकन के चपली कबाब। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आपको मैं टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी जिसकी वजह से ना आपके कबाब टूटेंगे ना आपके कबाब के ऊपर से टमाटर निकलेंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको तरीका बताऊँगी तब फ्राई करने का, किस तरह आप इसको फ्राई करें। बहुत अच्छे तरीके से ये बनते हैं। सो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्याज, अदरक, हरी मिर्च को लेके पीस लेंगे। चिकन का कीमा लेंगे, मशीन का कीमा लेंगे, डबल मशीन का। फिर इसके अंदर टमाटर, हरा धनिया, टमाटर के बीज निकाल के डालेंगे। अगर आपने टमाटर को बीज के साथ डाल दिया तो आपका कीमा पतला हो जाएगा, सही से आपके कबाब नहीं बनेंगे, टूटते रहेंगे कबाब। और मशीन का, डबल मशीन का कीमा लेना है आपको, मोटा कीमा नहीं लेना। चपली कबाब मसाला मैंने बनाना सिखाया है, इसकी लिंक मैं आपको ऊपर दे देती हूँ, इस पर आप क्लिक कर लें। चपली कबाब मसाला डालेंगे इसके अंदर। बस आप ये ख्याल करें, आपको टमाटर बीज निकाल के डालने हैं, मशीन का कीमा लेना है आपको। एक अंडा डालेंगे इसके अंदर। चपली कबाब मसाला बहुत अच्छा है रेसिपी, मैंने आपको बनाने सिखाई है। बटर लेंगे, बटर जमा हुआ लेंगे और उसको ग्रेट करके डालेंगे। मेल्ट हुआ हुआ बटर नहीं डालेंगे, इस तरह ग्रेट हुआ हुआ ही मक्खन डालेंगे तो इससे अच्छा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे कबाब को। इसको मिक्स करेंगे। इस तरह आप मटन से भी बना सकते हैं, मैंने आपको बीफ से बनाने सिखाए हैं, सेम रेसिपी है। इस तरह आप मटन से भी बना लें इसको, मैंने बीफ से बनाने भी सिखाए हैं। चपली कबाब मसाला बनाना सिखाया है, इसको आप बना के एक महीने के लिए रख सकते हैं फ्रिज में। जब भी आपको बनाना हो इस तरह आपने मिक्स करा और आपके कबाब बन जाएंगे। इस तरह मिक्स करेंगे इसको। बस आप मशीन का कीमा लें, बस आपको ये ख्याल करना है आपको मोटा कीमा नहीं लेना, मशीन का ही कीमा लेना है। फिर हम इसके कबाब बनाएंगे, इस तरह इसके कबाब बनाएंगे। फिर टमाटर स्लाइस लेंगे इस तरह, टमाटर को स्लाइस करके रखे हुए इस तरह बारीक काट के, फिर इसको हल्के हाथ से इसको दबाएंगे टमाटर लगाने के बाद, और हल्के हाथ से इसको दबाएंगे ताकि टमाटर चिताना चिपक जाए इससे। फिर कुकिंग ऑयल लेंगे और टमाटर का साइड ऊपर डालेंगे इस तरह, और टमाटर को नीचे नहीं डालेंगे, साइड ऊपर ही रखेंगे टमाटर का साइड। और डालते ही चमचा नहीं चलाएंगे वरना आपके कबाब टूट जाएंगे, टमाटर बाहर आ जाएगा, टमाटर भी निकल जाएगा, आपका अच्छा लुक नहीं आएगा बाजार रेस्टोरेंट जैसा। अब देखें इसको थोड़ी देर बाद, जब आप इस तरह उठा के देखें इसको, अगर कलर आ जाए तो आप इसका साइड चेंज करें। अभी देखें कलर नहीं आया, इसका हल्का कलर आया है तो मैंने इसको टर्न नहीं करा, इसका साइड नहीं चेंज करा। अब देखें उसके बाद, अब मैं इसका साइड चेंज कर रही हूँ। इस तरह दो चमचों से, दो स्पैचुला से मैं इसका साइड चेंज कर रही हूँ। एक चमचे से आप करेंगे तो आपका नहीं होगा, मैं अभी देखें दो स्पैचुला से ही कर रही हूँ इसका साइड चेंज। इस तरह दोनों का तरफ से इसका साइड चेंज करके पकाएंगे। इस तरह आप दो चमचों से पकड़ेंगे तो आपके इस तरह टमाटर भी नहीं निकलेगा, बहुत अच्छा इसका देखें इतना अच्छा लुक आया है इसका। इसको निकाल लेंगे अब प्लेट के अंदर, देखेंगे इतना अच्छा टमाटर नहीं निकला। बस आपको यही ख्याल करना है, डालते चमचा नहीं चलाना और इस तरह दो चमचों से पलटना है या दो स्पैचुला से, इस तरह आपको इजी हो। इस तरह इसको निकाल लेंगे। अगर आपको बीफ के चपली कबाब देखने हो तो आप ऊपर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, मैंने बीफ के बनाए हैं बकरीद स्पेशल चपली कबाब। बनाना बहुत ही आसान है इसको, और मैंने आपको सीख कबाब भी बनाने सिखाए हैं, बकरीद की रेसिपीज़ भी बनाने सिखाई हैं, पेज पे आप देख सकते हैं। रेसिपी पसंद है लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।